अस्सलाम वालेकुम, इट्स हसन खान बैक विद अनदर व्लॉग। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है तो मैं निकल रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, और आज ओरिएंटेशन है तो आप लोगों को दिखाते हैं यूनिवर्सिटी कैसी है और यूनिवर्सिटी का रास्ता कैसा है। तो चले मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। अब आज ना यहाँ पे 0 सेल्सियस है, यहाँ पे फ्रीज वार्निंग है। तो खुदा की कसम इतनी सर्दी लग रही है ना, मैं बता नहीं सकता। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के एरिया में मैं एंटर हो चुका हूँ। ये पूरा कैंपस है। वो रास्ते की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो मेन हाईवे था, फ्रीवे था, इसलिए। Turn right onto entrance 18. ये है यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आ गए। ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट सेंटर है, अभी ढूंढना पड़ेगा। एक घंटा पहले लेट हो गया ओरिएंटेशन के लिए, हद हो गई यार। पार्किंग भी यहाँ ढूंढना एक अजाब है। तो ये पूरी यूनिवर्सिटी है। So decision criteria are the key elements that we need to know before we make a decision. For example, if you are going for shopping, you want to buy some clothes. ओरिएंटेशन ख़त्म हो गई है, शायद मेरी आवाज़ भी कम आ रही हो, हवा बहुत तेज़ चल रही है। अब चलते हैं बाकी दिन की तरफ और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये अमेरिकन फ़ुटबॉल को मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, काफ़ी मज़े का स्पोर्ट है ये। और इसका मैंने कल दूसरा मैच देखा है अपनी ज़िंदगी का, वो भी ह्यूस्टन टेक्सास क्लीवलैंड के साथ था और ह्यूस्टन काफ़ी बड़े मार्जिन से जीता। तो भाई मैं वापस आ गया था ओरिएंटेशन से। अब ओरिएंटेशन से आने के बाद मैं एक दोस्त के पास गया, हमने साथ बैठ के टेक्सन का मैच देखा। टेक्सन और क्लीवलैंड का था, टेक्सन जीत गया। उसके बाद फिर मैं घर आया हूँ। अब घर आके मेरी जैसे अम्मी मुझे इंस्ट्रक्शन देके गई थी कि घर में तलावत चलानी है, जितने मर्जी मजे चला बजे चलाओ। तो अब तलावत चलाऊंगा सूर्य रहमान की। जैसे ही तलावत ख़त्म होगी, तलावत जैसे ही ख़त्म होगी फिर मैं जाऊंगा जिम। अभी मैं बाहर बालकनी में बैठा, थोड़ा ठंड का मज़ा ले रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ पे फ्रीज वार्निंग भी है तो ये है। और ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छी गई तो बस यही हुआ है। अभी तलावत सुन के जिम जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ जिम जाते हुए। अच्छा, कल ना एक अजीब व गरीब हरकत हुई है मेरे साथ। तो हुआ कुछ ऐसा है कि मेरी ओरिएंटेशन थी तो फिज़िकल वाली थी, तो मुझे थोड़ा उन्होंने बोला था प्रोफेशनली ड्रेस होके आइएगा, आपकी ना हेडशॉट लेंगे इनकमिंग बैच के। तो मैंने सोचा कि तो मैंने लंबे बाल कर रहा था तो वो तो करना पड़ा, कटवाने पड़े क्योंकि प्रोफेशनल नहीं लग रहा था, बहुत ही जंगली लग रहा था। तो जब मैं बाल कटाने गया उसको मैंने बोला मुझे कोई प्रोफेशनल लुक दे दे, उसने चश्मा उतारा, मैंने एयरपॉड्स लगाए और मैं इन्जॉय करने लग गया। उसको दाढ़ी छेड़ने को बोला भी नहीं था, उसने दाढ़ी भी हल्की कर दी और बाल भी ऐसे अजीब से काट दिए ना, एनिमल वाले रणबीर कपूर वाला दाढ़ी और बाल वाला लुक लाना चाह रहा था उसने। पंकज उदास बना के मुझे भेजा। चलो खैर, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। आइंदा के बाद किसी बार्बर पे भरोसा नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं निकल गया हूँ अब जिम के लिए। जिम में वो देखो, अंदर कोई हॉल में फंक्शन हो रहा है। मेरे ना अपने अपार्टमेंट्स में सबसे फेवरेट जगह ये है, यहाँ पे लाइट जलता है, इतना होलसम व्यू आता है ना। ये देखो अंदर बर्थडे चल रही है, कोई रेड कलर की वैलेंटाइंस डे टाइप शिट है। खैर चलो अब जिम करते हैं और जिम के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई जिम वगैरह हो गया। यूनिवर्सिटी से वापसी में ना मैं जब अपने दोस्त के पास गया, वहाँ से वापसी में मैंने अपने लिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर कर दिया था, कंधारी का। तो मैंने ऑर्डर करी है दाल माश और पालक ऐसे। और मैंने ऑर्डर करी है चिकन कढ़ाई पराठे के साथ। तो दो रोटी लेके आया, रोटी हम चल जाएगी दो दिन, बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं इसकी। और कढ़ाई लेके आया, खाना खाते हैं फिर शावर करेंगे
और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अगर आप US आएँ और US में ह्यूस्टन आएँ और आपको हलाल खाना बेहतरीन खाना हो कराची वाला, तो कंधारी इज़ अ गो टू प्लेस। तो भाई आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव हो गया, यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन अटेंड कर ली दोस्तों के साथ, टेक्सन और क्लीवलैंड का मैच देख लिया और जिम भी हो गया। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं अभी जा रहा हूँ, एक छोटी सी पार्टी है हमारे अपार्टमेंट्स में, वो अटेंड करूँगा। तो आप लोगों से कल मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।